हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अच्छे बने रहिए दोस्तों। शोर क्रिकेट प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में के प्री एनालिसिस मैच में हम बात करने वाले हैं मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स के बीच होने वाले मैच नंबर 23 मैच के प्री एनालिसिस के बारे में दोस्तों। यहाँ मैच 16 फरवरी को रात को 8 बजे शुरू होगा दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अभी तक यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। उससे फ़ायदा है कि प्रत्येक मैच का फुल अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं इस मैच के प्री एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछला मुकाबला जो फर्स्ट PCL का मैच नंबर पहला हुआ था कराची किंग और मुल्तान सुल्तान के बीच में, तो उस मैच में आपको क्या हुआ था आपको बहुत अच्छे से पता है। सबसे लो स्कोरिंग मैच अभी तक इस टूर्नामेंट का आपको देखने को मिला था, जिसमें कराची किंग को मुल्तान सुल्तान ने बहुत आसानी से हरा दिया था दोस्तों। तो आपको याद होगा ऐसा ही किस्सा यहाँ पर दोबारा होने के चांसेस भी हो सकते हैं दोस्तों। बात करें दोनों की करंट पोजीशन की, तो मुल्तान सुल्तान अपने 7 मैचों में से 6 मैच जीतकर पॉइंट टेबल पर नंबर 1 बनी हुई है दोस्तों। वही कराची किंग ने अभी तक 7 मैच में 1 भी मैच नहीं जीता है और लास्ट पोजीशन पर बरी हुए दोस्तों। तो हम लास्ट 3 वीडियो से बात कर रहे हैं कि कराची किंग क्यू टर्न मार सकता है, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है दोस्तों। तो आगे बात करें दोनों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों के बीच, दोनों ने अभी तक 10 मैच हुए दोनों के बीच में। वही मुल्तान सुल्तान 3 मैच जीते हैं पर अभी, और कराची 5 जीती है। तो बात लास्ट 2 मुकाबलों की करें तो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान हावी है दोस्तों। बात करें पिच रिपोर्ट की दोस्तों, तो इस पिच पर जो कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है, गद्दाफी स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर 7 मैच इस टूर्नामेंट में हो चुके हैं, जिसमें से 5 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है दोस्तों। लास्ट बैटिंग करने वाली सिर्फ 2 ही मैच जीती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कोरिंग की बात करें दोस्तों, तो स्कोरिंग यहाँ पर लो स्कोरिंग से 5 बार हुई है इस मैच पर, और हाई स्कोरिंग अभी तक 6 बार 190 से ऊपर देखने को मिली है। दोनों के बीच के बॉलिंग विकेटिंग की बात करें तो 73 विकेट्स अभी तक गिर चुके हैं, जिसमें से मुल्तान सुल्तान ने यहाँ पर 14 और कराची ने 12 विकेट लिए हैं। बात करें कि इसका मतलब बॉलिंग अटैक मुल्तान सुल्तान का काफ़ी अच्छा है। तो बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान की प्लेयर्स की, तो इमरान ताहिर 7 मैचों में 12 विकेट ले चुके हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन मुल्तान के लिए कर रहे हैं, आगे भी उम्मीद बनी रह सकती है। बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, धानी थोड़े महंगे जरूर साबित हुए हैं दोस्तों, पर 6 मैचों में 8 विकेट लेकर टीम को अच्छी सफलता दिला रहे हैं दोस्तों। वही बात करते हैं शाह की, सो शाह ने भी 3 मैचों में 3 विकेट दिलाकर यहां पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद, और आगे भी ये उम्मीद इनसे बने रहेगी दोस्तों। तो जल्दी से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि फुल अपडेट आपको वहाँ पर मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। तो आगे कंटिन्यू जारी रखते हैं, इनकी बैटिंग लाइनअप की अगर बात करते हैं तो रिजवान की अगर बात करें दोस्तों, तो रिजवान काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने लास्ट 7 मैचों में, उन्होंने काफ़ी उम्दा बात कर रहे हैं, तो इनके टॉप बैटिंग ऑर्डर के में काफ़ी अहम योग दिखा रहे हैं। वही बात करते हैं टीम डेविड की, जिन्होंने 7 मैचों में 221 रन बनाकर टीम को बहुत अच्छा मिडिल लेवल सपोर्ट दिया है। वही उनका साथ देने के लिए रेफ ई ने 5 मैचों में 110 रन 161 के स्ट्राइक रेट से सपोर्ट किया है, ये एक ऑर्डर को सपोर्ट करता है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कहे। वही बात करें कराची की, तो एक बाबर आजम ही है जो टीम को काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, पिछला मैच में हाई स्कोरिंग नहीं कर पाए थे पर 6 मैच 133 रन बना ही चुके हैं दोस्तों। तो वही बात करते हैं आगे इनका जो सपोर्ट करते हैं, पिछले मैच में इस्लामाबाद के लिए जो मैच खेला था 109 मात्र 1 रन से हार कर टीम को काफ़ी सहयोग मनोबल बढ़ा है, तो यहाँ से एक उम्मीद जगती है कि इस्लामाबाद से खिलाफ जो इन्होंने और नाहिद ने भी वासिम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 50 रन बनाए थे दोस्तों, तो इससे 96 से टीम का कॉन्फिडेंट काफ़ी बिल्ड लग रहा था। खान की बात करें तो खान ने भी 107 मैचों में 177 रन बनाकर यहाँ पर बाबर आजम का काफ़ी अच्छा साथ दिया है। वही अगर पाली
बॉलिंग के बाद अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो क्रिस जॉर्डन ने पिछले दो मुकाबलों में काफ़ी कंसिस्टेंट विकेट निकाल कर टीम को काफ़ी मनोबल बढ़ाया है। तो दोस्तों जल्दी से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं दोनों की कंपैरिजन बॉलिंग और बैटिंग में की, तो मुल्तान और सुल्तान की बैटिंग लाइनअप काफ़ी मजबूत है दोस्तों और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी। तो आप ये हमारा टेलीग्राम देख सकते हैं कि हम किस तरह से अपडेट करते हैं और ग्रेट श्योर क्रिकेट प्रेडिक्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और जल्दी से बताइए मैच कौन जीतता है आप कमेंट बॉक्स में।